हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, टाटा अपनी नए नेक्सॉन फेसलिफ्ट के तीनों वेरिएंट पेट्रोल, डीजल और ईवी 14 सितंबर को लॉन्च कर चुका है। कमाल की बात यह है कि टाटा ने 78 वेरिएंट लॉन्च किए हैं, जिसमें 69 वेरिएंट पेट्रोल डीजल के हैं और 9 वेरिएंट ईवी के लॉन्च किए गए। अभी बात करते हैं ईवी वेरिएंट की और जानते हैं पूरी डिटेल्स इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करें, ईवी के 9 वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं, जिनमें तीन मुख्य वेरिएंट हैं, क्रिएटिव, फेयरलेस और एम्पावर्ड। इन तीनों वेरिएंट के लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज के 9 अलग अलग वेरिएंट हैं। लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज का मतलब है कि कंपनी ने इस बार दो मोटर दी है, 30 किलोवाट की और एक 40.5 किलोवाट की। 30 किलोवाट की जो है उसकी रेंज है 325 किलोमीटर और 40.5 किलोवाट की उसकी रेंज है 465 किलोमीटर। बात करें गाड़ी के फर्स्ट लुक की, तो गाड़ी फ्रंट से कुछ ऐसी दिखाई देती है जिसमें आपको भर भर के डिजिटल चीजें दी गई हैं, जो आपको टेक्नोलॉजी में डुबो देंगे। फ्रंट में आपको मिल जाता है डिजिटल DRL, जो लेफ्ट से राइट तक कनेक्टिंग है, और LED हेडलैम्प्स और टाटा की ब्रांडिंग मिल जाती है। और फ्रंट में मिल जाते हैं दो पार्किंग सेंसर और आपको एक 360 व्यू वाला कैमरा मिल जाता है। साइड प्रोफाइल देखें तो लगभग पुरानी नेक्सॉन जैसी ही दिखाई देती है, जहां आपको मिल जाते हैं कुछ एस टाइप के अलॉय व्हील्स और 16 इंचेस के टायर्स और डॉट ईवी की बैजिंग मिल जाती है। बैक कलर के ORBMs मिल जाते हैं और बॉडी कलर डूर हैंडल्स आपको यहां पे मिल जाते हैं। रियल प्रोफाइल देखें तो यहां भी आपको बहुत कुछ डिजिटल मिलने वाला है। टेल लाइट देखिए एक्स फैक्टर पर बनी है, लेफ्ट टू राइट कनेक्टिंग विद अ वेलकम एंड गुड बाय सीक्वेंस। ये जब आप जलेंगी तो आपको लगेगा जैसे आपको ये वेलकम और गुड बाय कह रहे हैं। और उसके नीचे टाटा का लोगो मिल जाता है, उसके नीचे Nexon.EV लिखा मिल जाता है। नीचे की तरफ दोनों साइड में ब्रेक लाइट और रिवर्स लाइट आपको मिल जाती है और बम्पर पर दो पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं। ऊपर स्पॉइलर में छिपा हुआ वाइपर मिलता है, जिसका एक फायदा यह है कि आपको रियर व्यू वाइडर मिल जाता है। मतलब वाइपर जो शीशे पे जगह आपकी लेता था वो अब वहां नहीं लेगा, स्पॉइलर में वो जाके छुप जाता है। रूफ देखें तो यहां आपको सनरूफ मिल जाता है, रूफ रेल्स मिल जाएंगे और एक एंटीना मिल जाता है। Nexon.EV आपको 7 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, जहां आपको ग्रे, रेड, व्हाइट, ब्लू, पर्पल, ओशियन ऑक्साइड और टील कलर आपको मिल जाते हैं। अब आपको गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, जहां सब कुछ डिजिटल है। सबसे पहले आपको 2-स्पोक डिजिटल स्टीयरिंग व्हील मिलती है, जहां टाटा का लोगो शो होता है, और यहीं आपको कुछ कंट्रोल्स बटन भी मिल जाते हैं। स्टीयरिंग के नीचे ही लेफ्ट साइड में इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो ये भी अलग अलग कई मोड के साथ फुली डिजिटल दिया गया है। यहां आपको ड्राइविंग रेंज, चार्जिंग परसेंटेज जैसी अनेक जानकारियां मिल जाएंगी। 12 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें म्यूजिक सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं SOS और 360 डिग्री कैमरा व्यू के साथ सभी इन्फॉर्मेशन शो होती हैं। AC वेंट भी काफी स्टाइलिश दिए गए हैं। लेफ्ट साइड में स्टोरेज के लिए ग्लव बॉक्स मिल जाता है। IRBM आपको ऑटोमेटिक मिलता है, जो अंधेरा होते ही अपने आप डार्क मोड में चेंज हो जाता है। इसी के पास SOS और केबिन लाइट के बटन आपको मिल जाते हैं। डिस्प्ले के नीचे सारे कंट्रोल बटन दिए गए हैं, जो टच पैनल पर काम करते हैं। यहां से आप AC कंट्रोल कर सकते हैं और हिल होल्ड और कैमरा 360 डिग्री व्यू जैसे काफी कमांड दे सकते हैं। गियर शिफ्टर काफी स्टाइलिश और स्मूथ दिया गया है। यहीं पास में आपको वन टच पार्किंग बटन मिलती है और ऑटो होल्ड बटन भी यहीं पे आपको मिल जाता है, और मिल जाता है वायरलेस चार्जर। यहीं से आप सिटी, इको और स्पोर्ट मोड भी चेंज कर सकते हैं। गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है, जिससे आपको बैठने में पसीना नहीं आएगा और आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट भी कर सकते हैं। सेकंड रो में आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं और आपको 350 लीटर का एक बड़ा सा बूट स्पेस मिल जाता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्सॉन ईवी के ऐसे फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जो किसी और गाड़ी में अभी तक नहीं मिलते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद।